लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपना GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और चलान हिस्ट्री कैसे डाउनलोड करेंगे। तो आपको डाउनलोड करने के लिए पहले कोई ब्राउज़र ओपन करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको GST की ऑफिशियल वेबसाइट पे जानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा GST, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट है gst.gov.in। आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। देन आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कैप्चा फिल करके लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ कैप्चा फिल कर लेता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद आप अपना डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे वो बता देता हूँ। वो डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सर्विसेज में। देन आपको यूजर सर्विसेज, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट्स। आप इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपका होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा। देन आपका GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये हो गए GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि चलान हिस्ट्री हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद आप यहाँ पे जाइएगा सर्विसेज, देन पेमेंट, उसके बाद चलान हिस्ट्री। चलान हिस्ट्री में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करने का दो ऑप्शन मिलेगा, सर्च बाय डेट और सर्च बाय CPIN। तो मैं यहाँ पे डेट के थ्रू सर्च करूँगा। आप यहाँ पे क्वार्टर बाय सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ 1/7/2022 से 30/9/2022 तक हमने कितने चलान पे किए। आप सर्च पे क्लिक कीजिएगा। तो आपको यहाँ नीचे दिख जाएगा जो भी अपने इस क्वार्टर के अगेंस्ट चलान पे किया। आप यहाँ पे नॉर्मल इस नंबर पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपने चलान जो पे किया वो किस हेड में किया है। तो हमने यहाँ पे IGST के हेड में किया है। और आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपली नीचे आना पड़ेगा। देन यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा। तो आपका चलान डाउनलोड हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमने GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया और चलान कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।